दिल्ली का डॉन दिल्ली का डॉन नवेद ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM इट्स हॉट। हेलो, अभी से बात कर सकता हूँ मैं? हाँ जी, नवीद जी बोल रहे हैं। हाँ, अभी आपका मेल मिला था मुझे। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ सर, आपसे बात हो गई। मतलब सॉरी, मैं आपके मेल, नहीं, आपके मेल का मैं लेट रिप्लाई कर रहा हूँ। मैंने पूरी कहानी पढ़ी हुई थी उसमें, आपने जो लिखा था। अभी कहाँ रहते हैं अभी आप? मतलब दिल्ली का रहने वाला हूँ, इंडिया का, बट अभी मैं जरा कुछ काम से दुबई आया हूँ। अच्छा, दुबई आप जॉब करते हैं? हाँ जी। अभी मैंने आपका मेल पढ़ा था, क्या प्रॉब्लम क्या है बताइए? जो बात थी सर वो बस मैंने मेल में लिखी नहीं, थी। नहीं, मेल तो मैंने पढ़ लिया था, लेकिन मुझे मुझे सही से समझाइए क्या, मेरी समझ में पूरी तरह बात नहीं आई थी, क्या प्रॉब्लम क्या है सर? बस प्रॉब्लम सर बस दिल की प्रॉब्लम है सर। अब आपको कैसे मैं मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं सर काम के सिलसिले में बस 6 महीने पहले दुबई आ गया सर। और सर 2 महीने से सर आप मानेंगे मेरी गर्लफ्रेंड थी सर, तो उनसे बिल्कुल बात बंद हो गई है। आप देखना सर मेल में, देखिए सर, मैंने अगर देखा, आप कुछ देखा कर पाए उनका, तो उनका नंबर भी है। ऐसा कर दें कि मतलब उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाए, हमारी याद आ जाए, एक मुर्गा जो आप तो ये अभी अभी कहाँ है, ये आपकी आपकी गर्लफ्रेंड अभी कहाँ है? सर दिल्ली में ही रहती है। दिल्ली में रहती है। आप एक काम करेंगे, अभी आप फोन पे रहिए, मैं आपकी गर्लफ्रेंड को फोन कर रहा हूँ। हाँ, आवाज मत निकालिएगा वरना वो समझ जाएंगे। हाँ ठीक है, एक सेकंड रुकिए, उनको कॉल कर। अदा डरा मत देना सर, बस नहीं नहीं आपको कैसे बताएं, जान है सर बस। नहीं, मैं डराऊंगा नहीं, डराऊंगा पन्नों बस पन्नों पे उतार दिया था सर किसी तरह। नहीं, मैंने मेल पढ़ा आपका, आप फिक्र मत करिए, मैं डराऊंगा नहीं, मैं फोन कर रहा हूँ उनको। अब आप खामोश रहिएगा। ठीक। हेलो, एक मिनट। मैडम, मैं डॉक्टर ढींगरा के क्लिनिक से बोल रहा हूँ। बताइए, जल्दी बताइए। मैडम, डॉक्टर ढींगरा के क्लिनिक से बोल रहा हूँ, नताशा जी से सर बात करा दीजिए। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं डॉक्टर ढींगरा के क्लिनिक से बोल रहा हूँ, जरा नताशा जी से बात कराइए मेरी। प्लीज, एक मिनट यार, थोड़ा धीरे डालो प्लीज, फोन पे हूँ मैं। हाँ जी, डॉक्टर कहाँ से? डॉक्टर ढींगरा के यहाँ से बोल रहा हूँ, नताशा जी से बात कराइए। जी जी, नताशा तो अभी नहीं कर सकती बात, जरा करा दीजिए, अर्जेंट है, मुझे बात करनी है। खुद अभी फोन नहीं दे सकती नताशा के हाथ में, उसके हाथ में मेहंदी लगी हुई है, वो भी मना किया है, वो खराब हो जाएगी मेहंदी। कोई अर्जेंट काम है क्या? मेहंदी लगी हुई है? हाँ, मेहंदी अभी वो ओपन हुआ था ना सुबह, अब मेहंदी लगाई है उसके हाथ में। अरे धीरे डालो यार, यार उसे बोलो 2 मिनट बंद कर दे। एक्सक्यूज मी, मैं बस ये पूछना चाह रहा था, मेहंदी लगी हुई है, ओपन लगा हुआ है? आपको शायद इन्विटेशन मेरा भूल गया, हम कल नताशा की शादी है छतरपुर फार्म, आप आइएगा, जरूर आइएगा। कब? परसों फोन कर लीजिएगा, क्योंकि हनीमून के लिए ये लोग 2 दिन के बाद निकल रहे हैं, तो वो आपसे जाने से पहले एक बार बात कर लेगी, ठीक रहेगा शायद, है ना? अभी सर, हेलो। हाँ, अभी सुन रहे हैं आप? धोखा दिया सर। नहीं सर, आप बुरा मत नहीं सर, हम यहाँ घर आने आए सर दुबई। देखिए, ये तो जिंदगी है, ये तो चलता रहता है, जिंदगी वो हो गई सर, कुछ नहीं कर रहा सर। कोई बात नहीं है, बस क्या बताऊँ सर, मेरे मुंह से गाली निकल रही है। नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ सर। हम तो इधर आए हैं दुबई में, घर आने आया सर, जिंदगी कोई परेशानी नहीं है। एक बात कहूँ सर, बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा, बताइए। सर मेरी ना सर एक और गर्लफ्रेंड है, मतलब तन्वी है सर उसका नाम है, उसका बना सकते हैं सर आप मुर्गा? बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं सर दोबारा से? ठीक है, मैं इनके लिए कोशिश करता हूँ। सर इनका भी सर मतलब ऐसा बनाना सर, ये भी डर ना जाए सर, मतलब ये भी दिल में बसती है सर, मतलब जान है बिल्कुल, आई लव हर सर। बनाने के बाद मुझे सर एक बारी पूरा एक साथ ही सुनूंगा, मैं एक साथ सुनाता हूँ आपको, ठीक है? एक साथ तो सुन लिया सर ने। सुन लिया। सुकृति यार, वो जो भी लड़की है उसको मना करो यार, इससे शादी ना करे वो। दिल्ली का डॉन नवेद ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM इट्स हॉट। दिल्ली का डॉन नवेद दिल्ली का डॉन नवेद ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM इट्स हॉट। हेलो जोगी भैया, कौन बोल रहा है? जोगी भैया, आई एम सॉरी, आपको ऐसे
कॉल कर दिया मैंने ये को नंबर कौन दिया मेरा जोगी भैया नंबर मेरे को आई एम सॉरी नंबर बड़ी मुश्किल से निकाला है मैंने जोगी भैया मैं अपने बाप को थोड़ा सा बताया तो मैं ऐसे मतलब जोगी भैया मैं आपको वो फोन इसलिए मैंने आपको बिस्कुट आए हुए हैं लेने आपको सोने के बिस्कुट आप ये देखो मैं कोई हर किसी को नहीं करता हूँ मैं फोन इसमें यह है कि आप अगर लेते हो तो सर 25% डिस्काउंट पे आपको दे रहे हैं अरे सुन मेरी बात किधर से आए तू कितने का रेट करे इतनी तारीफ क्या करे आप कैरेट को देखो हाथ उठा में हाथ उठा आप देख लो एक बार फिर मैं मेरे से कह रहे थे माल, के माल बहुत अच्छा है सोने के सर अब आराम से थोड़ी मिलते हैं सोने के बिस्किट में सैंपल देख लो आप कल रात में आके देख लो कहाँ पे आने पड़ेगा मैं आपके घर आ जाऊँ अगर तुझे पता है मेरा घर कहाँ है सर आप आ जाओ किसी होटल में मिल लो आदमी भेज दो आप और लेकिन आप पूरा मत माना जोगी भैया पूरा मत माना जोगिंदर जोगिंदर जब माल आप हाथ में लोगे मेरे को पेमेंट पूरी चाहिए होगी आप देख लेना इत्मीनान कर लेना पेमेंट खराब होगा तुम तेरा माल भी तो दिखाएगा ना माल पहले देख लेना मैं बंदे पहुंचेंगे तेरे जोगी भैया मेरे को पता है ना आपका और सोने के बिस्किट में कोई बच्चा थोड़ी हूँ मतलब आप बंदे पहुंचेंगे उनको बंदे को पहुंचा दो आप बंदे को पहुंचा दो मैं आपको एड्रेस दे देता हूँ माल खरा एकदम माल खरा है आप देख लो सोने के बिस्किट में मैं आपसे कुछ जाली कुछ गलत लिख लिया या कोई इन्फॉर्मेशन वाला आदमी हुआ तो थोड़ी हमें खंबा डाल के चीर देंगे ये नहीं पहचानेंगे तेरे पूछते नहीं लोग आप गाली तो मत दो मेरे को गारंटी है सोने की बिल्कुल गारंटी है मैं आपको बता देता हूँ इस पे दिखाना जरा जो कि भैया मैं खोल के भी दिखा दूँ तो लिखी हुई है ये इसमें लिखा हुआ है सोने के बिस्किट रात में चाय में डुबो के खाएं उसके बाद सोएं सोने के बिस्किट हर लिहाज में आपको सुलाए सोने का बिस्किट रूखा खाएं बिस्किट खाने के बाद सो जाएं 100% सोने की गारंटी बिस्किट खाने के बाद 4 घंटे सोने की लगातार गारंटी सोने के बिस्किट आपको जाओ ये धंधा गंदा है इसको बंद कर दो मैं फोन काट रहा हूँ सो जाओ बिना सोने के बिस्किट खाए सो जाओ जो कि भैया बाय Billy Cardon, Naveed, only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. Hello. Is there Avdesh? Yes, speaking. Hi Avdesh, this is Tanya. Shahrukh meet and greet ke liye ek form bhara tha. So Avdesh, congratulations. You've been shortlisted for the second round. Oh, great. जिस तरह आप जीत गए ऐसे लग रहा है दैट यू आर रियली अ बिग फैन ऑफ शाहरुख या आई एम वेरी बिग फैन ऑफ शाहरुख आई हैव सीन होल सीरीज ऑफ हिज मूवी अब सेकंड राउंड हम आपके साथ फोन पर ही खेलेंगे सो देन यू माइट जस्ट गेट द चांस टू मीट हिम ओके सो यू प्ले विद मी नो आई वोंट देन हु वोंट I'll be transferring your call to our boss. It's going to be a rapid fire round. You never know, you might just get the opportunity to have dinner with Shahrukh at his house, Mannat. Oh, what a huge round of applause. You mean big house? Yeah, just in front of the water and nadi. So now I'm transferring your call to our boss. Please remember, it's a rapid fire round. Okay. Wish me luck, please. All the best, sir. Thank you. शाहरुख खान के दिल वाले में हाँ दिल वाले में काजोल 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 उनकी क्या है काजोल उनकी गोस्टार है शाहरुख खान की मुंबई नहीं महाराष्ट्र ना ना नो माइका नो नो मूवी में कितने स्टार्स हैं चार हैं वरुण कृति शाहरुख और काजोल नेक्स्ट
आप थोड़ा जल्दी खेलिए, शाहरुख का लौंडा नहीं, लंभोगनी लोटा नो, लल लल्ला नो, समय निकल रहा है तो बोलना यार, नहीं तुझसे नहीं हो रहा तो किसी और को दे, शाहरुख का शाहरुख का, अरे क्या शाहरुख का लल्ला लल्ला नो नो नो, शाहरुख का लुंगी डांस गाना शाहरुख का किसने गाया, जल्दी जल्दी बताइए, हनी सिंह, हनी सिंह, अरे आप जल्दी पूछो ना यार, शाहरुख खान की पकौड़े, पकौड़े नहीं, पापा, पापा नहीं, पापड़, पापड़ नहीं, पैंट, पैंट नहीं यार, टाइम निकल रहा है, पैंट पैंट नहीं, पैंट नहीं, पैंट जवाब पिक्चर अब तक किस सबसे अच्छी कौन सी लगी आपको, कोयला कोयला कोयला, शाहरुख से बोल दे, नहीं शर्म नहीं आती, इतना चिल्ला के रैपिड फायर खेल रहे हो, अरे सब तू ही तो, अगला सवाल शाहरुख के गला नहीं, गधा नहीं, गधा नहीं, तुझे कह रहा हूं, मैं शाहरुख का थोड़ा टाइम निकल रहा है, जल्दी निकल रहा है, तुम शाहरुख का लास्ट, शाहरुख का गोलोटी कबाब नहीं, गजरा नहीं, गाना तुझे देखा तो ये जाना सर, कौन सी फिल्म का है, दिलवाले, मैं तो नहीं पूछ रहा, पूछ रहा मैं, शाहरुख के चाचा नहीं, ये नहीं, ये नहीं, दिल वाले की स्टार कास्ट से नवेद मिलाएगा आपको जल्दी रेडियो मिर्ची पर, दिल्ली का डॉन नवेद, दिल्ली का डॉन नवेद, ओनली ऑन रेडियो मिर्ची 98.3 FM, इट्स हॉट। हेलो, और पंचम शादी मुबारक भाई। हाँ जी कौन? पंचम मैं, हम तो आ भी नहीं सके शादी में, कल शादी हो गई ऊपर वाले की, देखो मेहरबानी, तो कैसी रही सब? ठीक ठाक, सही रहा सब? हाँ बस ठीक रहा। काफी मेहमान भी आए कल, मैंने सुना, हम तो आ नहीं पाए, और काफी फंक्शन देर तक चला आपका। बस समझ लो ठीक ठाक सही हो गया। मुझे पता चला, मैंने कहा खाना वाना लेट शुरू हुआ था, मेरे ख्याल से 10:30 बजे तो शायद खाने शुरू हुआ है वहाँ। अब जब मेहमान ही 10 बजे आएंगे, साढ़े सात आठ का टाइम दे रखा है, 10:30 बजे आए थे तो खाना तो लेट स्टार्ट होना ही था। नहीं मुझे किसी ने बताया काफी लेट वेट वहाँ से निकलना हुआ, और कैसा रहा सब? अरे यार कह तो रहा हूँ आपसे, सब ठीक रहा यार। यार पंचम आप मेरे को थोड़े से वो लग रहे हो, नाराज से। मैं सुना चाचा, आपके जो चाचा है उन्होंने भी काफी देर कर दी थी आने में। अरे चाचा नहीं तो अपनी आ रहा हूँ, फोन कर रहे हैं चाचा आ जाओ, आ रहा हूँ, उसकी वजह से तो सारा काम खराब हुआ है। चाचा ने तो अपनी ऐसी कराई है कुत्ते ने, साला हम फोन कर रहे हैं चाचा आ जाओ, चाचा आ जाओ, चाची तैयार हो रही, चाची तैयार है, छोड़ छाड़ के आ जाओ, तुम अकेले आ जाओ यार। तो अच्छा कितने बजे गए फिर चाचा? 2:30 बजे तक बैठा रहा बुड्ढा, तेरी शादी हुई है, जाएगी यार, शादी ना छोड़े मेरा। मैंने सुना 3 बजा दिया निकलते निकलते चाचा चाची ने। 3 बजे क्यों निकले, मेरे कमरे में सो जाते, मैं तो पूरी रात बाहर काटी, मैंने तो बैठ के चार पाई पे, रिश्तेदार सारे आसपास मंडरा रहे, जाने ही नहीं दे रहा कोई, तेरी शादी है, शादी करने कोई आफत हो गई। भाई साहब बात सुनो, नहीं सुन ही रहा हूँ मैं। 3:30 बजे चाची आई, मैंने चाची आप जा रहे हो? कही नहीं चाय पी रही हूँ। मैंने बुढ़िया तू चाय पी ले पहले, तू मर जा, तू चाय पी पहले। अरे मैं वहाँ कमरे की तरफ जरा, 4:30 बजे बुढ़े ने वहां भी ठोक दिया, मुंह दिखाए मैं क्या दिया क्या नहीं दिया। अरे बुढ़े तुझे बताऊ सारी बातें, मेरे घर के पूछ रहे, तेरा क्या मतलब है पूछने का, ये मुझे समझा रहा है, ये खुद अपनी शादी में रात को 10 बजे चला गया वो कमरे में। मैं पानी पीने के बहाने कमरे की तरफ जा रहा था, चाची ने रोक लिया, रुक जा बेटा, मार लो बेटे की बहन, जो शादी हुई है क्या हुआ, आफत हुई है, कोई बात नहीं। ऐसा कहते कोई बात नहीं यार, हमने वैसे के वैसे रहे, मैं पूरी रात वैसे काट दी, तुम कह रहे हो कोई बात नहीं, ऐसे कहते कोई बात नहीं। ये ऊपर वाले का बस ये है कि शुगर करना चाहिए हर चीज में।
अब क्या मैं शुक्र करूं? अब चाचा है, क्या करें, उनका भी तो चाचा ही है अपने, तो क्या रहा फिर? अरे क्या रहा, क्या बिल्कुल वैसा का वैसा ही हुआ, तो कोई रात खाली करवा दी चाचा ने तो मेरी। चलो कोई बात नहीं हुआ, है हुआ? अब गए चाचा नहीं? हाँ बस अड्डे में छोड़ के आया हूँ बुड्ढे को, अभी फोन किया था, पहुँच गया बुड्ढा बिजनौर। मैंने तुम्हें यो फोन करी, तुम्हें आज रात घर पे ही हो? आज रात घर पे ही हो? हाँ घर पे ही हूँ, अब क्या भाग जाऊंगा, हम तो आ ना सके शादी में, आज आ रहे हैं परिवार समेत तुमसे मिलने। कब? आज रात आएंगे, 9:30 बजे आ रहे हैं, सोच रहे हैं खाने के बाद आ जाए, जरा बच्चे मिलना चाह रहे हैं, हमारी पत्नी मिलेंगी। अबे ओ आज रात 9 बजे में कमरा बंद कर दूंगा, चाहे सारा कोई भी आ जाए, प्रधानमंत्री हो मंत्री हो कोई भी हो, 3 दिन बाद आया, शादी करी है मैंने, क्या करा है आज नाम है। अबे कहते रहो मैं 8:30 बजे कमरा बंद कर दूंगा, इसे देखो चढ़ा। हेलो, हाय सर। हाय, आप जिस ऑपरेटर की सर्विस यूज करते हैं मोबाइल यूज करने के लिए, मैं हम वहीं से बोल रहे हैं, और हमने अभी अपना डेटा देखा था जिसमें 2 कॉलर सिलेक्टेड हैं, एक आप हैं और एक फोन लाइन पे और हैं, वो अननोन है आपके लिए और आप भी अननोन हैं उनके लिए, तो इसमें एक गेम है, हम ये गेम खेलते हैं, अगर आप इसमें ज्यादा जवाब देते हैं सही तो 14,000 रुपए का, लाइक 14,000 रुपीज का रिचार्ज आपके मोबाइल पे, या उसको आप रिडीम करा सकते हैं, कहीं और खर्च करा सकते हैं, और वो जो दूसरे हैं सज्जन वो फोन लाइन पे मेरे साथ हैं, तो मैं आपकी बात कराऊं उनसे। हाँ जी कराइए। 1 सेकंड, अब मैं काम करता हूं, मैं जिनसे मेरी अभी बात हो रही थी, आप मिस्टर बी कहेंगे हम आपको, हाँ, एंड मिस्टर ए आपसे पहले बात हो रही थी मेरी। जी हाँ, शुरू करते हैं यहाँ से। ये हमारी कंपनी का मंथली एक गेम होता है, और मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई ना कोई 14,000 रुपए का यहाँ से रिचार्ज लेके जाए, राइट? ओके, मेरा पहला सवाल मिस्टर ए से है, आप ये बताइए कि मिस्टर बी जिनकी आवाज आप फोन पे सुन रहे हैं, इनका नाम तक नहीं जानते, आपको क्या लगता है कि कभी फ्यूचर में आपको ये मिले तो आपको 25,000 रुपए ये उधार दे सकते हैं? जी हाँ, शायद दे भी सकते हैं। मिस्टर बी, क्या आप इनको 20,000 रुपए उधार दे सकते हैं? होंगे तो जरूर दे देंगे। इसका मतलब मिस्टर ए का राइट आंसर है, तो मिस्टर ए आपका 1 पॉइंट हो गया। बहुत बढ़िया। मिस्टर बी, आपको ये लगता है कि मिस्टर ए जो आपके लिए अननोन है, कभी वक्त आने पर आपको मिले फ्यूचर में और इनकी वाइफ इनके साथ हो, तो क्या अपनी वाइफ को ये आपसे इंट्रोड्यूस कराएंगे? हाँ जरूर कराएंगे। मिस्टर ए, मिस्टर बी कह रहे हैं कि आप अपनी वाइफ से इंट्रोड्यूस करा देंगे, क्या आप कराएंगे कभी? हाँ बिल्कुल। मिस्टर बी 1 पॉइंट, मिस्टर ए 1 पॉइंट। ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल मिस्टर बी आपसे, आपको लगता है ये जो अननोन इंसान है मिस्टर ए फोन लाइन पे आपके साथ, ये जिंदगी में फ्यूचर में कभी आपको मिले तो आपका गला काट सकता है? मिस्टर बी, आई डोंट नो आप क्या पूछ, मैं यही पूछ रहा हूं जैसे और सवाल पूछे थे, आप हाँ या ना में जवाब दीजिए, क्या आपको फ्यूचर में लगता है कि मिस्टर ए कभी आपको मिलेंगे तो आपका गला काट सकते हैं? नहीं। मिस्टर ए वो कह रहे हैं कि नहीं काट सकते, आपको लगता है कि आप उनका गला काट सकते हैं? नहीं नहीं, क्या कह रहे हैं आप? मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ओके, आपके लिए अलग सवाल है। मिस्टर ए, आप ये बताइए कि फ्यूचर में मिस्टर बी आपको कभी मिलेंगे तो आपके बच्चों और आपकी फैमिली को आग लगा सकते हैं ये? मिस्टर ए, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। नहीं। मिस्टर बी, नहीं यार, मतलब कि पागल हो गए हो? पागल मैं नहीं हो गया हूँ, मैं लोगों का पागलपन ठीक करना चाह रहा हूँ। मिस्टर ए यानी कि वसीम और मिस्टर बी अनुज, मैं आपको अब नाम से बताना चाह रहा हूँ। वसीम अब बताइए, क्योंकि अनुज आपके साथ फोन लाइन पे हैं, आपको लगता है कि अनुज अगर आपको मिलेंगे तो आपके घर वालों को मार सकते हैं ये? मिस्टर बी, अब मैं आपके नाम से आपको बुलाऊंगा, अनुज ये बताइए कि मिस्टर ए वसीम अगर आपको फ्यूचर में कभी मिलेंगे तो आपको लगता है कि आपके घर वालों को मार सकते हैं ये? पागल हो गया क्या? पागल मैं नहीं हो गया, दुनिया हो गई। अब मैं आपको खुल के बताता हूं कि ये गेम क्या है, हमारी जिंदगी को खेल बना दिया, और सब कुछ हमें मालूम है कि हम नहीं मार सकते एक दूसरे को, तो फिर आप दोनों ये वाले गेम क्यों खेल रहे हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे? मिस्टर ए वसीम साहब, आप ये क्यों कह रहे हैं कि हिंदुओं को मारो? मिस्टर बी अनुज, आप ये क्यों कह रहे हैं कि मुसलमानों को हक नहीं है, उनको सीधा करो, उनके साथ सही हो रहा है जो कुछ हो रहा है? मुझे खूब अंदाजा है कि अब भी हमारे मुल्क में एक दूसरे को मारने की बात नहीं सोचते हम, फिर इतनी नफरत क्यों फैला रहे हैं हम, इतना लोगों के भड़कावे में क्यों आते हैं, कैसे हो गए यार हम, हमसे ही था ये मुल्क और रहेगा भी हमसे, हम में हम दोनों हैं, इस बात को क्यों नहीं समझते यार? और ये मुझे किसी ने बहुत खूबसूरत बताया कि हम में हाँ से हिंदू और माँ से मुसलमान भी हैं।
पढ़े लिखे होने के बावजूद जिस तरह की बातें आप सोशल मीडिया पे करते हैं, ये ना करके अगर आप अपने ही दिमाग का इस्तेमाल खुशियां, अमन और सुकून फैलाने में लगाएं तो कितना अच्छा होगा। मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, और आप दोनों को शायद ही अंदाज़ा नहीं है जितना आप दोनों में गुस्सा था एक दूसरे के मजहब के लिए। इतना बुरा और इतनी नफरत तो उसके दिल में भी नहीं है जिसका बाप खत्म हो गया दादरी में। और सुनिए, अखलाक साहब का बेटा क्या कहना चाहता है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कुछ लोगों का इल्जाम मैं सभी पूरी देश की जनता पर लगा दूं, सबको अच्छे भी हैं लोग, बुरे हैं, लेकिन कुछ लोग बुरे हैं, कुछ चंद लोगों के बुरे होने की वजह से सभी को कहूं ये गलत है। क्या मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझसे भी गलती हो गई। पछतावे से ज्यादा अच्छा है कि अब आप कुछ अच्छा करिए ताकि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में अमन और सुकून रहे। शुक्रिया।